नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं एएनएस न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के मोरबी में पुल टूटकर गिरने से हुए हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने राज्य सरकार को हादसे में प्रभावित लोगों की जानकारी एकत्रित करने और हादसे की जाँच के लिए कमेटी बनाने के आदेश जारी किए। गुजरात के मोरबी पुल के टूट कर गिरने से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को हादसे में प्रभावित एक एक लोगों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने हादसे के लिए जाँच कमेटी भी बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उन्हें याद किया गया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ ली गई। इस मौके पर विधानसभा परिसर में अध्यक्ष और अधिकारी कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में उन्हें स्मरण किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत समेत अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने इस दौरान उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए और राष्ट्र की अखंडता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल का जीवन संघर्षों से भरा रहा, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एकता स्थापित करने के लिए, सद्भावना स्थापित करने के लिए, प्रेम स्थापित करने के लिए उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनके कार्यों को देखते हुए भारत ने उन्हें लौह पुरुष का भी दर्जा दिया। आज हम उसको नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, प्रणाम करते हैं और उनके आदर्शों को पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आदरणीय इंदिरा जी उसी एकता को बचाने के लिए, भारत की एकता को बचाने के लिए, अखंडता को बचाने के लिए, सद्भावना को बचाने के लिए उन्होंने जीवन का परित्याग किया। उनको अपना जीवन देना पड़ा। हम आप उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये प्रण लेते हैं कि हम सब भारतवासी देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। समाज सेवी कुणाल शुक्ला ने भाजपा नेता व पूर्व मंत्री केदार कश्यप, उनकी पत्नी और उनकी साली की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश के डीजीपी और जगदलपुर के एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कुणाल ने जिक्र किया है कि पूर्व मंत्री ने फर्जी तरीके से अपनी पत्नी के स्थान पर अपनी साली को परीक्षा देने के लिए बिठाया था। भाजपा शासन काल में शिक्षा मंत्री रहे केदार कश्यप, उनकी पत्नी एवं साली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज मैंने डीजीपी महोदय एवं जगदलपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा है और मांग की है कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। ज्ञात हो कि शिक्षा मंत्री रहते केदार कश्यप ने अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी के स्थान पर अपनी साली को परीक्षा दिलवाई थी। तत्कालीन तहसीलदार ने इसे पकड़ा भी था, परंतु केदार कश्यप ने यह मामला रफा दफा करवा दिया था और आज मैंने पुनः मांग की है कि इन तीनों के ऊपर जुर्म दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी की जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुजरात हादसे पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पुल के बिना फिटनेस की जांच उसे लोगों के लिए खोल दिया गया, जिसके चलते यहां दुर्घटना घटी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुजरात में हुए हादसे पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बगैर फिटनेस की जाँच किए क्षमता से अधिक लोगों को पुल पर जाने की अनुमति क्यों दी गई। पवन खेड़ा ने इस हादसे के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। सरकार पर डर होना जरूरी है, नहीं तो ये तो तमाशा करते रहेंगे, टोपी लगा के नए नए कपड़े पहन के तमाशा रोज सुबह से शाम तक, भले कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, पुल गिर रहे हो, लोग घायल हो, लोग परेशान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क तब पड़ेगा जब हम बोलेंगे और आप उस बात को चलाएंगे और आप उस पर ध्यान रखेंगे। जिम्मेदारी अब हम पर और आप पर आ गई। सरकार पर कोई जिम्मेदारी मत मानिएगा, है ही नहीं इन पर कोई जिम्मेदारी। अगर होती तो इस तरह की कंपनी को जिसका कोई अनुभव नहीं है ये काम नहीं दिया जाता।
अगर कोई जिम्मेदारी महसूस करता तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जाता। और हम जानना चाहते हैं क्या अहमदाबाद मेट्रो का फिटनेस सर्टिफिकेट है, क्या ये जल्दबाजी में तो नहीं शुरू कर दिया, क्या अटल सेतु का फिटनेस सर्टिफिकेट है। आज गुजरात का नागरिक किसी पुल पर, किसी सार्वजनिक मेट्रो पर, किसी पर चढ़ने से पहले 10 बार सोच रहा है, क्योंकि उसको अपनी सरकार पर से भरोसा हट गया है। ऐसी सरकार जो इस तरह के पुल तक का फिटनेस और ऑडिट नहीं कर पाती, उस सरकार का फिटनेस और ऑडिट अब जनता करेगी। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर, बिलासपुर और दंतेवाड़ा में हजारों लोगों ने सूर्य देवता की पूजा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छठ पर्व पर शासकीय अवकाश की घोषणा भी की। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व की धूम रही। राजधानी रायपुर, बिलासपुर और दंतेवाड़ा समेत संपूर्ण राज्य के उत्तर भारतीयों ने इस पर्व को धूमधाम से मनाया। रविवार की शाम और सोमवार की सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने उपवास रखा और पूजा अर्चना की। रायपुर के महादेव घाट में हजारों की भीड़ देखने को मिली। महाछठ पर्व के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। उन्होंने सभी को छठ पर्व की बधाई दी और इस दिन शासकीय अवकाश की भी घोषणा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छठ पर्व पर हुए गुजरात हादसे की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से कराने की मांग की। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक प्रकट किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति शोक प्रकट किया। उन्होंने इस हादसे की संपूर्ण जाँच कराए जाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने हादसे की जाँच के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को नियुक्त करने की मांग की। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए, खास करके अगर रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी मासिक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। इस बैठक में संगठन के कार्यों के साथ आगामी चुनाव के मद्देनजर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत संगठन के नेता भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी मासिक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, चंदन यादव समेत संगठन के नेता शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि संगठन के कामकाज पर चर्चा की गई और आगामी चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग सभी उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सदस्य, वो सब इसमें भाग लेते हैं। और जो संगठन के संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, जो सरकार से संबंधित कोई आवश्यकता हो उसके ऊपर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एजेंडा प्रस्तुत करने के बाद फिर बाकी सदस्य उस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया। 31 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस दौरान एकता दौड़ का भी आयोजन किया गया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिले के कलेक्टर विनीत नंदरवान ने भी हिस्सा लिया। 31 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। यहां जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने सभी को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर एकता दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर समेत प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया था और उसके उपलक्ष्य में जो है सारे अधिकारी कर्मचारी और सारे बच्चों ने और भी अन्य गणमान्य नागरिकों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। पूरा ये दौड़ हम लोगों ने आयोजित किया है और इसके बाद जो है हम लोग देश की एकता और अखंडता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सभी को पार्टी लाइन में चलना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सभी को पार्टी लाइन में चलना होगा। आगामी विधानसभा के मद्देनजर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई बयान देता है तो उस पर पार्टी गंभीर है, हाईकमान भी गंभीर है, उसमें जरूर कार्रवाइयाँ होगी। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में 2023 में चुनाव है और हम लोग सबको पार्टी लाइन में चलना चाहिए। हम सब दिशा निर्देश भी PCC से जारी कर दिए। राजधानी रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर बोलते हुए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि संस्कृति के आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे महोत्सव से छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। राजधानी रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर बोलते हुए मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की आड़ में राजनीति न करे। उन्हें ऐसे महोत्सव का विरोध नहीं करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। नौकरी भी जरूरी है और नृत्य भी जरूरी है, और आदिवासी महोत्सव, आदिवासी नृत्य जो हमारे प्रदेश की संस्कृति है, आदिवासी प्रदेश है, और इसमें इस प्रकार के आयोजन होने ही चाहिए। इन आयोजनों का विरोध करने की बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में जब उनकी सरकार थी अगर इन कामों को कर ली होती तो आज विरोध का झंडा उठाना नहीं पड़ता उनको। तो उनको इस प्रकार के आयोजन का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो उनकी कोई मांग है तो वो अपने जो सही मंच है उसके माध्यम से उस मांग को उठाएं। निश्चित तौर पे जो उचित मांग होगी उसका समर्थन किया जाएगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे ANS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजे तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ANS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।